अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिरीन, इस समय सुबह के 9:15 बज रहे हैं और हम लोग निकलने हैं मस्जिद सालेहा के लिए और मस्जिद कूफा के लिए। आज इंशाल्लाह हम लोग नजफ की सैर करेंगे। हैं मस्जिद हनाना है, मस्जिद कूफा है, मस्जिद हनाना है और मस्जिद सैला। ओके, हनाना और मस्जिद हनाना और मस्जिद कूफा। और पूरी कोशिश करेंगे अगर अंदर ले जाने दिया मोबाइल या कैमरा कुछ भी तो आपको इंशाल्लाह अंदर की ज़्यारत भी करा पाए वहाँ पे। क्यों और मान सही कह रहे हैं, बहुत शैतान लड़का है, नहीं सबसे अच्छा लड़का है इस पूरे काफिले में। क्यों? और इसकी असलियत मैं आपको बताऊँगा चुपके से वीडियो के एंड में। आखिर वीडियो जो आएगी उसमें इसकी उसका सीक्रेट बताऊँगा आपको मैं। क्यों और मान सही है ना? नहीं चलो कैंसिल, अभी से कैंसिल। तो चलिए इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं बस बस में बैठ के। हाँ ये और ये हम लोग आ गए से मस्जिद हनाना। यही है, हाँ यही है मस्जिद हनाना। काफ़ी मकबूल मस्जिदों में से एक मस्जिद है, इसकी दो रिवायतें हैं और इसकी बहुत अहमियत है। मस्जिद हनाना मौला अली की जब शहादत हुई थी तो मस्जिद हनाना के रास्ते से जब मौला का जनाजा गुजर रहा था, मौला अली का तो ये जो आप मस्जिद की मीनार देख रहे हैं ये ताज़ीम में झुकी थी। ओके। और दूसरी रिवायत यह है कि जब अहले बैत का काफिला बादत शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ से गुजर रहा था तो उनका सर मुबारक यहाँ पर रखा गया था। मुबारक जिसका एक भी मौजूद है, आप इंशाल्लाह भी आप जाएंगे तो उस ज़्यादा से मुस्तफ़ीद होंगे। ये मस्जिद हनाना यहाँ की, अभी जैसे दानिश भाई ने आपको बताया यहाँ के मौजूदे कैसे हुए हैं, यहाँ पे दो रकत दाखिले मस्जिद और दो रकत ज़ियारत इमाम हुसैन। एक रवायत यहाँ की ये है कि जब मौला अली का जनाजा लेके जाया जा रहा था तो यहाँ मीनार झुक गई थी। ये वो जगह है जहाँ पे मौला हुसैन का सर रखा गया था यहाँ पे। यहाँ से हम निकल रहे हैं मस्जिद सालेहा के लिए और फिर वहाँ से मस्जिद कूफा के लिए। मस्जिद सालेहा में भी अलाउ कर दें मोबाइल, लेकिन मस्जिद कूफा में मोबाइल या गोप्रो अलाउ नहीं करेंगे। तभी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा करा पाए मस्जिद कूफा, क्योंकि बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ये हम लोग इस समय इस वक्त कारवान कमर बनी हाशिम टूर लखनऊ, इस वक्त मरकज़ कुमैल बिन ज़ियाद है। कुमैल बिन ज़ियाद की तारीख ये है कि ये मौला अली के ख़ास साहबी थे जिन्हें मौला अली ने दुआ कुमैल तालीम की थी। हम उनकी मज़ार पे यहाँ पर आएंगे, हम फातिहा पढ़ेंगे, ज़ियारत करेंगे और वापस हम मस्जिद सैला के लिए रवाना होंगे। चलिए इंशाल्लाह चलिए हम करते हैं अंदर। दूसरी जगह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं हम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यहाँ पे एक सदका दिरहम देना हज़ार दिरहम के बराबर है। एक हज़ार नमाज पढ़ना, एक रकत नमाज पढ़ना 1000 नमाज के बराबर है। यानी इसी तरीके से जिस तरीके से करबला मुकद्दसा है, जिस तरीके से मस्जिद सैला है, जिस तरीके से मस्जिद कूफा है, जिस तरीके से मस्जिद हनाना है, इसी तरीके से ये रोज़ा मुकद्दसा जहाँ पर आप तशरीफ़ फरमाएँ इसी तरीके से यहाँ पे भी ये फजाइल हैं। और हम लोग मस्जिद के महल से निकल रहे हैं, इंशाल्लाह मस्जिद सलाह के लिए रवाना हो रहे हैं। और उसके बाद बताइए आपको मस्जिद कूफा मौला अली का घर, मीसम तम्मार,
का रोज़ा वहाँ पे वहीं भी मिलती है वापस। सब आपको ज़्यादा कराएगा, पूरी कोशिश रहेगी कि मस्जिद कूफा में कैमरा लेके जा पाए। क्यों सही कहा ना, लास्ट टाइम नहीं लेके आने दिया था। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, जो बार बता रहे इससे खूबसूरत मस्जिद कोई हो नहीं सकती मस्जिद कूफा से ज़्यादा। क्यों तुम गए थे ना लास्ट ईयर, 100 रकात नमाज पढ़ी ना, हड्डियाँ टूट गई थी ना, हाथ में लेके गए थे ना टांगे। और हम लोग आ गए फाइनली अरमान, बताओ सबको कहाँ आ गए हम लोग, मस्जिद सहला आ चुके हैं हम लोग। सामने है माशाल्लाह से बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है और खूबसूरत भी, और अभी और भी बन गई है। हाँ यहाँ पे नमाजें कम है, चलना ज़्यादा पड़ता है, तो चलेंगे हम लोग अंदर, नमाजें पढ़ेंगे, ज़्यारत करेंगे, आपको भी ज़्यारत करवाएंगे अगर मौका मिला तो। माशाल्लाह से ये अपनी मस्जिद सलाह कितनी देखिए, कितना मजमा है, कितना कितना मजमा है, कितनी भीड़ है यहाँ पे। और ये देखिए अगर आप अपनी फैमिली में आए और बड़े लोगों के साथ आए तो आप लोग को ऐसे चलना है, बड़े लोग को लेके घर के बच्चों को सेफ्टी के लिए है, सेफ्टी पर्पज से दोनों को बांध रखा है एक ही से। ये मस्जिद सहला बड़ी मुबारक जगह है, तकरीबन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, अबू बसीर से। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पूछते हैं, बता अबू बसीर क्या तुम मस्जिद सहला जा के अमाल करते हो? कहा नहीं, मैं मस्जिद सहला नहीं जाता हूँ। कहा तुमको मालूम है कि मस्जिद सहला कौन सी जगह है? कहा मौला मुझको नहीं मालूम कि मस्जिद सहला कौन सी जगह है। तो इमाम ने फरमाया कि मैंने एक दिन देखा कि आखिरी इमाम ज़माना इस घर में दाखिल हुआ अपने अहल आयाल के साथ मस्जिद में दाखिल हुए। आप इस मकाम पे जाएंगे, मकाम इमाम ज़ैन अल-आबिदीन के नाम से बोला जाता है, मकाम इमाम ज़माना के नाम से बोला जाता है। तो हम वहाँ पे पहुँचे, आपने नमाज अदा की। यहाँ पे अबू बसीर से मौला इमाम जाफर सादिक सलाम कहते हैं कि अबू बसीर अगर मैं मस्जिद सहला के करीब होता तो जाफर सादिक से कोई नमाज कज़र नहीं होती, नमाज नाफला भी और नमाज वाजिब भी यहाँ पे आकर अदा करता। बहुत से नबी आए, बहुत से पैगंबर आए और यहाँ पे आके नमाज अदा की। एक आलिम दीन का वाक़िया है, वो मस्जिद कूफा में अमाल करने जाते थे, सुबह में दर्स में शरीक होते थे, रात में मस्जिद कूफा में जाते थे, वहाँ पे अमाल करते थे, सुबह में फिर दर्स में जाने का। एक वक्त वो भी आया कि वो मस्जिद कूफा की तरफ जा रहे थे, हवा का झोंका चला, काली आंधे चांद शुरू हुई, पर सोचा कि मस्जिद कूफा के बजाय मस्जिद सहला जाया जाए, तो मस्जिद कूफा से नहीं बल्कि मस्जिद सहला में आ गए। उन्होंने आगे देखा, कोई इंसान नहीं है, कोई चरिंद नहीं है, कोई परिंद नहीं है, एक शख्स बैठा हुआ है एक कोने में, नमाज अदा कर रहा है, दुआ पढ़ रहा है। मैं उसके पीछे खड़ा हो गया कि इस अंधेरे में कोई नहीं है, सिर्फ एक शख्स नज़र आ रहा है। जैसे वो करीब आए, आवाज़ आई कि आलिम दीन मेरे करीब आओ। वो थोड़ा सा आगे बढ़े, का और करीब आओ, फिर आगे बढ़े, का और करीब आओ। जब वो करीब आ गए, उन्होंने सर पर हाथ रखा, कहे बताओ तुम मेरा नाम भी जानते हो, तुम्हें ये भी मालूम है कि मैं घबराया हूँ, तुम हो कौन? उन्होंने कहा मैं माऊद अलैहिस्सलाम हूँ। माऊद इमाम ज़माना का लकब है, इमाम ज़माना खुद कहते हैं कि जिसको उस मेहदी से मुलाकात करनी है वो मस्जिद सहला चला है। ये वही मकाम है जहाँ पे इमाम ज़माना रोज़े बुध रोज़ाना आते हैं, और यहाँ पर जब भी आते हैं बहुत से आलिम दीन ने इमाम ज़माने से मुलाकात की। और रिवायत में है जो भी मस्जिद सहला में 40 दिन एहतिकाफ करें इमाम ज़माना खुद मिलने के लिए आते हैं। जैसे कि आपने सुना मौलाना को, मौलाना ने पूरा बताया मस्जिद सलाह का, यहाँ पे 7 मकाम हैं, हर मकाम पे आके नमाज पढ़ेंगे और बताते रहेंगे किसका मकाम है वो। और ये मस्जिद सलाह का पूरा मैप बना है माशाल्लाह से, इतनी बड़ी मस्जिद है, अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू है, पीछे आप देख सकते हैं। देर ना करते चलते अंदर, यही ना जाफर सादिक का, और ये रहा वो मकाम हमें जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जहाँ पे उन्होंने नमाज अदा की थी आके। आप
माशाल्लाह ये कौन सा यही है जाफर सादिक अली का है। हाँ सादिक अली ये जैनुल आबिदीन का है। और ये हम लोग आ गए मकाम अम्बिया वसलिम पे। ये रहा मकाम अम्बिया वसलिम। ये रहा मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये रहा मकाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। येरा मकाम है जहाँ पे खिज्र सारी नमाज़ें हम लोग की ऑलमोस्ट हो गई हैं, बस अभी एक बची चौथी इमाम की इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की है। मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। पहले जल्दी से नमाज पढ़ लें। ये रहा मकाम है ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। अरमान आ जाओ बच्चे। तो ये है यहाँ के सात मकाम। हम लोग ने सारी ज़ियारतें कर ली, सारे मकाम की नमाज़ें पढ़ ली हैं, यहाँ बैठ के हम लोग ने ज़ियारत अदा कर ली थी। और अब ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत ये मतलब मस्जिद लग रही है यार। मस्जिद सलाह सालिहा सलाह बहुत से नाम इसके हैं, सबका अलग अलग प्रोनंसिएशन भी बस है कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं। माशाल्लाह खूबसूरत इंतहा खूबसूरत। अभी और भी बन रही है, आप देखते हैं अभी और ऊपर बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। आओ मैंने आपको दिखा दिया कि जब बुज़ुर्गों के साथ आई तो कैसे आई, और मुझे देखिए अगर बच्चे को ले गई तो उसको बकरा बना के ऐसे लाया जाता है। कैसे ऐसे अम्मा हाथ पकड़ पूरा बांध बांध के बेचारे को बकरा सही में बना दिया है। अब उसे ये बकरा बकरा कह के चिल्ला रहा है। लहर चले तेजी से आपास सुने, लहर चले हैं करती है हवा घोड़े की रफ्तार से बातें। नहीं बच्चे